मैं सुषमा सिंह, सहायक आचार्य, शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज से, जिस व्याख्यान के लिए आज मैं उपस्थित हुई हूँ उसका पेपर कोड इस प्रकार से है, बीएड एससी 95, पेपर नेम है साइको सोशल एंड फैमिली इश्यूज। इसके कोर्स आउटकम्स को आप देख सकते हैं जो इस प्रकार से हैं, ब्लॉक 1 फैमिली, यूनिट 3 रोल ऑफ फैमिली इन रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्संस विद आईडी। आज जिस टॉपिक के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है कि परिवार की भूमिका बौद्धिक अक्षम व्यक्ति के पुनर्वास में परिवार की क्या भूमिका है। इसको हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि हमने पिछली कक्षाओं में भी इस बात की चर्चा की थी कि जब हमारे परिवार में कोई विशेष बच्चा या कोई दिव्यांग बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद से उसको संभालने के लिए उसके लालन पालन में हमें किस किस तरह की समस्याएं आती हैं और परिवार किस तरह की अनुभूति करता है, उसी कंटेक्स्ट में आज हम इस बात पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि उसमें परिवार की क्या भूमिका है। सबसे पहली स्थिति जो होती है वो होती है एक्सेप्टेंस की। जब भी हम किसी समस्या से ग्रसित होते हैं तो सबसे पहली समस्या आती है कि हम उस समस्या को पहले एक्सेप्ट करें। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगा तब तक हम उसके बारे में सॉल्यूशंस नहीं ढूंढ पाएंगे, उसका समाधान नहीं कर पाएंगे और उसके लिए जो आवश्यक कार्य है वो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहली जो स्थिति होती है एक्सेप्टेंस की होती है। एक्सेप्टेंस होने के बाद जब हम बच्चे की कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है हमारे घर में एक विशेष बच्चे का जन्म हुआ है, अब उसकी विशेष आवश्यकताएं हैं जिसके लिए हमें विशेष कार्य करने होंगे, इस क्रम में हम देखते हैं कि द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रिहैबिलिटेशन वुड बी एक्सप्लोरिंग एप्रोप्रिएट सर्विसेज। एप्रोप्रिएट सर्विसेज से यहाँ तात्पर्य यह है कि हम बच्चे को जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम उसके लिए उन सर्विसेज का चुनाव करने लगते हैं कि कौन से ऐसे सर्विसेज हैं जिसको अपनाकर हम बच्चे को उसके पुनर्वास मतलब उसको सही होने में हम मदद कर सकते हैं या उसके जो कार्यात्मक कार्य हैं उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सर्विसेज उसके लिए हम क्या करते हैं कि सर्विसेज हमें कहाँ से मिलेंगे, उसके लिए हम प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो हमें गाइड करते हैं कि हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं जिससे इस बच्चे का पुनर्वास भली भांति हो सकता है। उसमें जब देखते हैं कि सबसे पहली समस्या अब उसके बाद तब ये आती है कि बच्चे को हम स्कूल में, अगर बच्चे का स्कूल का जाने की अवस्था आती है, बच्चे को स्कूल भेजना है, तो हम इस चैलेंजेस को फेस करने लगते हैं कि अब बच्चे को हम किस स्कूल में भेजें, कहाँ भेजें, और इसमें परिवार जो होता है वो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करता है क्योंकि उसको एक एप्रोप्रिएट उपयुक्त स्कूल जो है जो उस बच्चे को अच्छे से ट्रेनिंग दे सके उसको पहले सर्च करना पड़ता है। और हम देखते हैं कि ऐसे सर्च करने में बहुत सारा हमारा जो समय है वो कहीं ना कहीं चला जाता है क्योंकि कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पे सबसे पहले तो हमारे बच्चे का एडमिशन लेने से हमें मना कर देते हैं कि हमारे पास वो उनका अपना एक तर्क होता है कि हमारे पास आपके बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज नहीं है तो हम अपने बच्चे को एडमिशन लेके भी हम आपके बच्चे को ट्रेंड नहीं कर पाएंगे, आपके बच्चे को वो सारी सुविधाएं नहीं दे सकते जो उसके लिए उपयुक्त होंगी। बहुत कोशिश के बाद अगर आपको कोई विद्यालय मिल भी जाता है तो आप देखते हैं कि वहाँ पर भी आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो इसलिए कि आप अपने बच्चे की जो अवस्था है वो सामान्य बच्चे की अवस्था से आप तुलना करने लगते हैं कि काश हमारा बच्चा भी अगर ऐसा होता तो हमारे पास ये समस्याएं नहीं होती, हम इन समस्याओं का सामना नहीं करते। और इस तरीके से आप बहुत सारे वेरियस स्टेजेस से गुजरते हैं, एक पेरेंट्स जो होता है बहुत सारे इमोशंस को फेस करता है उस टाइम पे और उसको ये महसूस होता है कि हमारे बच्चे की आवश्यकताएं विशेष होने की वजह से हमारे बच्चे को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो उसे नहीं मिल पा रही हैं या फिर जो मिल भी रही हैं वो उतनी उपयोगी नहीं है उसके लिए। और इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि बहुत लंबा समय जो होता है जो उस बच्चे के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है वो एज कहीं ना कहीं बच्चे की बहुत ज़्यादा उसमें आगे बढ़ जाती है और बच्चा बड़ा होने लगता है, बड़ा होने के साथ साथ उसकी जो जिस समय उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती हैं तो उसका एजुकेशनल जो प्लानिंग हम करते हैं उस बच्चे के लिए वो उसमें भी बच्चा कहीं ना कहीं पीछे होने लगता है।
उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमें अप्रोप्रिएट सर्विसेज ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मिल भी जाती हैं तो हमें उसके साथ जो है एक्स्ट्रा टाइम, एनर्जी एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब हमारे बच्चे के लिए जो सर्विसेज हैं वो हर जगह उपलब्ध नहीं है, तो पेरेंट्स को उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है उस बच्चे को सुविधा तक पहुंचाने में, उन्हें बहुत सारी अपनी एनर्जी जो है वो लगानी पड़ती है एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो की भी बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि फाइनेंशियली भी आपको अगर बच्चे का स्कूल मान लीजिए कि घर से बहुत दूर है तो वहाँ तक भेजने के लिए आपको उसको एकोमोडेशंस जो होते हैं, जो यातायात के साधन है वो उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी उसको ले जाने ले आने के लिए। तो ऐसे में क्या होता है कि और स्कूल भी जो होते हैं वो कॉस्टली चार्जेस पे टीचर्स को रखते हैं, तो वो सारे व्यय क्या होता है वो पेरेंट्स से ही उसको रिकवर करते हैं। तो इस तरीके से फाइनेंशियल जो आपके रिसोर्सेज हैं उसका बर्डन भी पेरेंट्स के ऊपर आने लगता है, जिससे कि पेरेंट्स जो होता है बहुत सारे फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का सामना उस वक्त पे करते हैं। असिस्टेंट एंड सपोर्ट एक्सटेंडेड टू द फैमिलीज मस्ट बी बोथ एनेबलिंग एंड एम्पावरिंग देम, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल फैमिलीज मेंबर्स। देखिए, असिस्टेंस जो होता है जिसे हम सहायक उपकरण कहते हैं, उसके मिलने से क्या होता है कि फैमिली ज़रूर एम्पावर होने में या सशक्त होने में फैमिली को बहुत सारे हेल्प मिलते हैं, जिससे कि उनकी जो फैमिली के पास जो समस्याएं होती हैं उसको कंट्रोल करने में, उस परिस्थिति में एडजस्ट करने में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सपोज़ कीजिए कि कोई बच्चा है, अगर वो दिव्यांग है, अगर वो उसको स्कूल में एडमिशन मिल जाता है, तो एडमिशन मिलने के बाद बच्चा क्या करेगा कि बच्चे का एक डेली रूटीन होगा जिसमें कि बच्चा स्कूल समय से जाएगा आएगा, उसका डेली रूटीन जो होता है उसका टाइम शेड्यूल हम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो इससे क्या होता है कि असिस्टेंस मिल जाने से हमारे बच्चे की जो समस्याएं होती हैं वो कहीं ना कहीं ओवरकम होनी स्टार्ट हो जाती हैं। इसके लिए क्या हम और कर सकते हैं कि द पार्टनरशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड प्रोफेशनल्स हेल्प पेरेंट गेन नॉलेज एंड स्किल्स नेसेसरी टू यूटिलाइज सपोर्ट सिस्टम टू स्ट्रेंथन फैमिलीज एबिलिटी इन इट कोपिंग एज वेल एज मीटिंग द नीड। देखिए, इसमें क्या होता है कि द पार्टनरशिप बिटवीन पेरेंट्स प्रोफेशनल्स का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर जो सर्विसेज हैं उनको और ज़्यादा कैसे हम अपने अपने बच्चे के विकास में कैसे और सारे चीज़ों को हम जानकारियों को ले सकते हैं, उनको उनसे साझा करते हैं। इसके बाद जो स्थिति होती है वो यह होती है कि हम पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स के बीच एक पार्टनरशिप हो जाती है, और उससे क्या होता है कि पेरेंट्स को नॉलेज जो उस बच्चे से संबंधित हैं उनको सीखने में जो ज़रूरी स्किल्स हैं और जो सपोर्ट सिस्टम है उसको मजबूती प्रदान करने में और समायोजन करने में प्रोफेशनल्स और पेरेंट्स मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं। आज के परिवेश में हम ये देखते हैं कि समय, काल और परिस्थिति के अनुसार समय जो है काफ़ी तेज़ी से परिवर्तित हो रहा है। ऐसे में जो पेरेंट्स होते हैं, जिसमें खास तौर से मदर्स होती हैं, वो भी आज के समय में वर्किंग होना एक समय की डिमांड बन चुका है, और फैमिली साइज छोटा होने से फैमिलीज के मॉडल सोसाइटी में एक्सटेंड होने से हम देखते हैं कि उस बच्चे की केयर के लिए बहुत एक नई समस्या उत्पन्न हो चुकी है कि घर में कौन सा मेंबर ऐसा होगा जो उस बच्चे की देखभाल करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि एक विशेष बच्चे की जो विशेष आवश्यकताएं होती हैं उसको पूरा करने के लिए हमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है, बहुत सारे हैंड्स चाहिए जो कि उन कार्यों का भार किसी एक व्यक्ति पर ना आए। इसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, या फिर जो भी हमारे सहयोगी कह सकते हैं, हमारे नेबर्स भी हो सकते हैं, उसमें कोई भी व्यक्ति जो कि आपको सपोर्ट कर सकता है, आप उनकी तलाश करते हैं कि कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो हमारे बच्चे के पुनर्वास में हमें सहयोग कर पाएगा। इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आज के समय में गरीबी, जागरूकता की कमी और सुगमता, ये जो चीज़ें हैं ये इसकी कहीं ना कहीं लैगिंग है,
और इस लैकिंग को पूरा करने के लिए मदर्स पर भी जो है जॉब की और अदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज को फुलफिल करने की जिम्मेदारी उन पर भी आ गई है। ऐसे में उस बच्चे के लिए चैलेंज उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि विशेष बच्चा जब घर में जन्म लेता है तो हम देखते हैं कि पहले का समय कुछ और था और आज का समय कुछ और है। पहले के समय ऐसा था कि बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ माओ पर होती थी, बट अब क्या है कि अब माँ पर भी बाहर जाकर अर्निंग करने की जिम्मेदारियाँ आ चुकी हैं। इस वजह से हमारे घर में जो अन्य सदस्य हैं उन पर भी उन बच्चों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने की जिम्मेदारी लेना आवश्यक है। इस क्रम में हम और देखते हैं कि हम फिर ऐसे सर्विसेज की तलाश करते हैं जो कि पैरेलल हो। पैरेलल मीन्स कि अगर हम बच्चे को वक्त नहीं दे सकते तो क्या ऐसी कोई सर्विसेज हैं उसके पैरेलल में जो हमारे बच्चे की केयर, डे केयर कर सके। तो ऐसे में हम एक देखते हैं कि मॉडल्स ऑफ पेरेंट प्रोफेशनल पार्टनरशिप एक मॉडल बनाया गया है जिसमें कि आपकी उभरते हुए आवश्यकता के आधार पर ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जहां आप अपने बच्चे को सेंटर्स में डाल सकते हैं और वहां पर वो आपके बच्चे की केयर एक प्रोफेशनल्स के देखरेख में होती है, जिससे कि आपके बच्चे का विकास प्रभावित नहीं होता है। इसमें हम इस चीज़ को भी समझ सकते हैं कि पेरेंट्स का जो रोल होता है, हम चाहे बच्चे को किसी भी सर्विस के लिए भेजें या किसी भी प्रोफेशनल से हम कांटेक्ट में रहते हैं या उससे कोलैबोरेट करके हम कोई कार्य करते हैं, तो भी हमारे बच्चे को हैंडल करने में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो पेरेंट्स का ही होता है। और देखा जाए तो कोई भी ऐसा थ्योरेटिकल फाउंडेशन, सैद्धांतिक कोई भी आधार ऐसा नहीं बना है जिसको पढ़ के आप समझ सके कि हमें उस बच्चे की केयर कैसे करनी है। हमें प्रोफेशनल से मिलते हैं, हम बच्चे के उस विकास में, बच्चे के उस बेहतरी के लिए जो भी प्रोग्राम्स बनाते हैं उसमें हर परिवार की अपनी एक रणनीति होती है कि हम उस बच्चे के लिए, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज उपलब्ध हैं हम उसी से उस बच्चे का विकास या उसके विकास के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले हमें अपने परिवार की रिसोर्सेज को चेक करना होगा कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं, हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम इस परिवार बच्चे के साथ साथ परिवार का विकास भी कहीं प्रभावित ना हो। तो उसके लिए जब हम अपने रिसोर्सेज को एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें अपनी एक व्यक्तिगत परिवार की जो रणनीति है वो एक तैयार करनी पड़ती है कि उस रणनीति को ही अपना कर हम बच्चे का विकास भली भांति करने में सक्षम हो सकते हैं। जब हम प्रोफेशनल जो भी व्यावसायिक पुनर्वास कर्मी हैं जब उनसे हम इंटरेक्शन करते हैं, इंटरेक्शन मतलब कि जब भी हम अपनी समस्याओं के लिए उनसे बैठ कर डिस्कस करते हैं तो उनके विचार और हमारे विचार, हमारी समस्याएँ, हमारे समस्याओं का हमारे हिसाब से क्या समाधान है, वो उचित है या अनुचित है, इसके बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं तो हम देखते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए या जो भी हमारे घर में या परिवार में दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो होते हैं हम रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल से प्राप्त करते हैं और उस बच्चे के लिए उसको इम्प्लीमेंट करके हम उसमें इम्प्रूवमेंट लाने का प्रयास करते हैं। रिहेबिलिटेशन जो पुनर्वास व्यवसायी जो होते हैं वो भी इस बात से बहुत सहमत है कि मोस्ट पावरफुल एंड एंड्योरिंग इन्फ्लुएंस इन द लाइफ ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कि जो फैमिली का रोल है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चे के विकास में, क्योंकि जो दिव्यांग व्यक्ति है वो अपने परिवार के साथ ही 24 घंटे दिन रात रहता है और जब हमारे साथ वो बच्चा दिन रात है, हर समय है, तो हम जो सीखेंगे वो उस बच्चे को हर समय हम उस चीज़ को उपलब्ध करा सकते हैं। इसलिए पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ हो जाता है कि वो उन चीज़ों को सीखे, पुनर्वास कर्मियों से मिलकर उन चीज़ों को सीखे और उस बच्चे के लिए लागू करे और उसको देखें कि वो कहाँ तक बच्चे के लिए यूज़फुल है या नहीं है या उससे बच्चे को क्या समस्याएं हो रही हैं, इसको चेक करने का कार्य परिवार पर ही होता है। इस तरह का से हम देखते हैं कि द पेरेंट्स आर द बेस्ट टीचर्स, जो पेरेंट्स होते हैं वही उस बच्चे के लिए
एक अच्छे शिक्षा का कार्य करते हैं। टेक्निकली दे नीड सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट। जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका कार्य इतना है कि वो उन्हें टेक्निकली रूप से जो उस बच्चे के लिए ज़रूरी है उन कार्यों को करने के लिए उन्हें सपोर्ट करें, उनके उन्हें इनकरेज करें, और कहते हैं कि उनके इनर पोटेंशियल को बाहर निकालने में या उनको उनकी एनर्जी को बूस्ट करने में एक प्रोफेशनल जो होते हैं वो भली भांति उसको बूस्ट कर सकते हैं कि एक पेरेंट्स छोटी छोटी चीज़ों को सीखकर उस बच्चे में कैसे एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। कुछ मेजर ऑपरेशंस हैं जिनको हम देख सकते हैं कि फैमिलीज़ को एम्पावर करने में प्रोफेशनल्स को क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे फैमिली अपने आप को समस्या में भी एक उस बाधा को पार करने में प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनकी बहुत हद तक मदद कर सकते हैं। फैमिलीज़ को सशक्त करने के लिए जो कुछ मेजर ऑपरेशंस हैं जिनको हमें यूज़ करना चाहिए, प्रोफेशनल्स को चाहिए कि बी पॉजिटिव एंड प्रोटेक्टिव। जो प्रोफेशनल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक हों और जो फैमिली है उनके समक्ष जो समस्याएं लेकर उपस्थित हुई है उसको हमेशा सकारात्मक रूप से उभरने में उनकी मदद करें और उनको हमेशा एक पॉजिटिव थॉट दे। उनको कभी ऐसा ना रियलाइज़ होने दे कि ये समस्या इतनी बड़ी है जिसका निराकरण नहीं हो सकता है। तो ऐसे में प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा यहाँ बढ़ जाती है और उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि साइकोलॉजिकली हम कैसे पेरेंट्स को इतना स्ट्रेंथन करें कि वो इस बच्चे की समस्या को बहुत बड़ा ना समझें, उसको ये समझे कि हाँ ये समस्या है तो ठीक है लेकिन इसका सोल्यूशंस भी है और हम कुछ चीज़ों को अपनाकर इस बच्चे के जो पुनर्वास का कार्य करके हम बच्चे को एक मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं, बच्चे के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और हमारा बच्चा भी समाज में सबके समान अपनी जीवन को जी सकता है और जीवन का उपार्जन भी करने में हम अगर उसकी मदद करेंगे तो वो उसको भी करने में सक्षम हो सकता है। और उनको ये विश्वास दिलाना चाहिए पेरेंट्स को कि वो अकेले नहीं है। सेंस ऑफ कोऑपरेशन, सेंस ऑफ कोऑपरेशन तात्पर्य यहाँ है कि बच्चे को परिवार और परिवार के लोग और प्रोफेशनल्स सभी मिलके उस पर कार्य करेंगे तो बच्चे में ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा। इस भाव से हमें कार्य करने की ऊर्जा जो है विकसित करनी चाहिए स्वयं के अंदर और द फैमिली मेम्बर्स एबिलिटी टू सी देमसेल्व एज एन एक्टिव एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर बिहेवियर चेंज। जो परिवार के सदस्य हैं वो उनकी जो भूमिका होती है एक एक्टिव एजेंट के रूप में होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो भी बच्चे में व्यवहारिक परिवर्तन होता है उस व्यवहारिक परिवर्तन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस परिवार पर होती है कि व्यवहार में जो हम कोई भी कार्य किस लिए करते हैं ताकि हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो, सकारात्मक परिवर्तन हो, और उस सकारात्मक परिवर्तन को करने के लिए बच्चा क्या करता है, परिवार से ही उन चीज़ों को सीखता है। इसमें कुछ सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि एक प्रोफेशनल्स और जब एक परिवार आपस में मिलते हैं तो वो किस तरह से उनको सहयोग कर सकते हैं जिससे कि बच्चे के पुनर्वास में सुविधा मिल सके। पेरेंट एंड सिबलिंग एसोसिएशंस, पेरेंट एंड सिबलिंग्स एसोसिएशन से तात्पर्य यहाँ यह है कि परिवार में माता पिता के अलावा हम उस बच्चे के जो एक दिव्यांग बच्चा है उससे उसके घर में उसके भाई बहन भी होते हैं और वो भाई बहन जो होते हैं उनकी भी यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। क्योंकि हमारे परिवार में हम देखते हैं कि दो बच्चे हैं, मान लीजिए कि एक बच्चा दिव्यांग है और एक बच्चा हमारा सामान्य है, तो उस सामान्य और उस विशेष बच्चे में बहुत सारे आपको अंतर मिलेंगे। उस अंतर को दूर करने के लिए उसमें जो उनके भाई बहन हैं उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा बच्चा है एक जो है मान लीजिए कभी स्कूल नहीं जा पाता है लेकिन हमारा दूसरा बच्चा स्कूल जाता है तो वो स्कूल में जो सारी चीज़ें सीखता है वो उस बच्चे को सिखा सकता है, या फिर वो बच्चा जो भी कार्य करता है उसमें अपने उस दिव्यांग भाई बहन को वो चाहे तो उसमें इन्वॉल्व कर सकता है। बट इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है वहाँ यहाँ पेरेंट्स का है, क्योंकि वो उस टेक्निक्स को सीखें कि हम बच्चे को कैसे हम अपने अन्य बच्चों को भी इस बात के लिए तैयार करें कि घर में अगर दिव्यांग बच्चा है तो वो उनकी भी वैल्यूज़ हैं, उनको रिस्पेक्ट दें और उनको उनकी चीज़ों को समझने में समझें और उनको उसमें हेल्प करें कि कैसे वो भी उन चीज़ों को कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सिबलिंग्स के एसोसिएशन से, सिबलिंग्स भाई बहन के एसोसिएशन से उनको जोड़कर हम कैसे
बच्चे के विकास में उनकी भी सहभागिता को निर्धारित कर सकते हैं। और निर्धारित करने से लाभ यह होगा कि हमारा बच्चा खुद को अकेला महसूस नहीं करेगा, उसे भी ऐसा एहसास होता है कि मैं भी इम्पोर्टेंट पार्ट हूँ इस फैमिली का और लोग मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, मुझे वैल्यूज़ देते हैं, तो वो बच्चा भी बहुत पॉजिटिवली उन सब चीज़ों को सीखने के लिए कहीं ना कहीं उत्साहित महसूस करने लगता है। और जब व्यक्ति खुद से इन सब चीज़ों को महसूस करता है तो देखता है कि हमारे कार्य करने की जो ऊर्जा है वो बहुत कई गुना बढ़ जाती है। तो हमें मेनली साइकोलॉजिकल चीज़ों को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हम कैसे उन चीज़ों को समझें, सीखें और अपने घर परिवार में भी उन सब चीज़ों को सिखाएं, अन्य लोगों को बताएं कि हमारे बच्चे की ये आवश्यकता है क्योंकि हमारा बच्चा विशेष है। और एक विशेष बच्चा जहाँ होता है वहाँ वो एक विशेष परिवार भी हो जाता है। और विशेष परिवार जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों को उस बच्चे को, सामान्य बच्चे को जैसे हम लालन पालन करते हैं वैसे नहीं कर सकते। तो यहाँ परिवार में ख़ास तौर से मुझे ऐसा लगता है कि एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि माँ बच्चे के साथ सबसे ज़्यादा वक्त देती है। और जब वो वक्त देती है तो वो सीखती है, उसे पता होता है कि उस बच्चे की क्या क्या आवश्यकताएँ हैं, उस बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है, उसे क्या करने से अच्छा लगता है, क्या करने से उसे समस्या होती है। तो इन सब चीज़ों को माँ को सीखना और समझना और सीखकर उन अदर लोगों तक पहुँचाने, ये भी उसकी एक जिम्मेदारी का पार्ट बन जाता है। एक कोटेशन आप यहाँ देख सकते हैं, द वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस। इसका तात्पर्य यहाँ क्या है, यह है कि द अगर आपके शूज में कोई कांटा या कोई चीज़ पड़ी हुई है तो वो अगर चुभती है तो दर्द सिर्फ आपको होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको दर्द होगा तो आप ही समझ सकते हैं कि उसकी डेंसिटी कितनी है, उसकी गहनता कितनी है। और आप ही को पता होगा कि अगर हमें इतना दर्द हो रहा है तो हमें उसको ठीक करने के लिए क्या क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, कितना करना है, ये एक फैमिली में के लोग ही डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि अन्य व्यक्ति सिर्फ आपको सुझाव दे सकता है, आपके साथ आपको चीज़ों को बता सकता है, लेकिन उसको ठीक करने की जो जिम्मेदारी होती है वो परिवार को ही लेनी पड़ती है। हम इसमें आगे और देखते हैं कि जो भी सर्विसेज हम बच्चे को देते हैं वो हम क्यों दे रहे हैं। हम इसलिए दे रहे हैं कि उस बच्चे की जो साथ जो समस्याएं हैं उसमें उसको हेल्प मिल सके। बच्चा हमारा जो चीज़ नहीं कर पा रहा है फंक्शनल रूप से, मान लीजिए कि हमारा बच्चा आईडी बौद्धिक अक्षम बच्चा जो है वो पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं है, या हम डेली रूटीन की बात कर ले तो बच्चा समय से ब्रश नहीं करता है, बच्चा समय से नहाता नहीं है, बच्चा खुद से नहीं कर सकता। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि बच्चे को अपने परिवार के जो अन्य बच्चे हैं उनको देख के उनको कि वो बच्चा ऐसे करता है तो तुम भी ऐसे करो, उसको सिखा सकते हैं, उसके साथ साथ उसको भी उसी टाइम पर उस कार्य को करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो वो बच्चा भी देख के सीखेगा कि हमारे अन्य भाई बहन कर रहे हैं या फिर हमारे घर में एक रूटीन है तो हमको उस रूटीन से फॉलो। तो अगर उस बच्चे को हम डेली प्रैक्टिस कराते हैं तो वो बच्चा भी कहीं ना कहीं सीखता है और सीख के उन कार्यों को करने में वो भी सक्षम हो सकता है। जो भी सर्विसेज हम देते हैं वो बच्चे के लिए कितनी फ्रूटफुल है या फिर कितनी उपयोगी है, बच्चे का कितना डेवलपमेंट हो रहा है, ये सारी चीज़ों को चेक करते हैं। पेरेंट्स की जो प्लानिंग होती है, पेरेंट्स ही प्लान करता है कि हम अपने बच्चे को किस हाइट पर देखना चाहते हैं। हमारे बच्चे में, हमने मान लिया कि हमारे बच्चे में ये समस्याएं हैं तो हम उसमें कितना कार्य उसके साथ करेंगे, कितना हम समय देंगे, कितना उस बच्चे के इम्प्रूवमेंट के लिए हम तैयार हैं कि हम बच्चे को इतना समय देंगे अब या बच्चे को सिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि पेरेंट्स और जो घर के अन्य सदस्य हैं उनकी प्लानिंग, और प्लानिंग करने से सिर्फ कार्य नहीं होता है, प्लानिंग के बाद जो उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, हम किस तरह से उसे लागू करते हैं, कितना लागू करते हैं, इसको टाइम टू टाइम चेक करना पड़ता है। और जो भी चीज़ें हम करते हैं प्रोफेशनल से, जो भी हम राय ले मशवरा करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि हम अपने फैमिली के अकॉर्डिंग उस प्लान को बना सकें और उस पर कार्य कर सकें। प्रैक्टिसेस टू प्रमोट फैमिली पार्टिसिपेशन इन रिहेबिलिटेशन फॉर द चिल्ड्रेन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो जिनको प्रमोट किया जा रहा है फैमिली पार्टिसिपेशन के लिए कि उनके बच्चे जो बौद्धिक अक्षम बच्चा है उसके पुनर्वास में कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जिसको करके हम फैमिली का पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि फैमिली जब तक उसमें प्ले नहीं करती है, फैमिली की जब तक उसमें भूमिका नहीं होती है, बच्चे का इम्प्रूवमेंट भी हम कह सकते हैं कि नहीं हो सकता है।
तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि पीरियोडिक पेरेंट टीचर मीटिंग्स, जिस स्कूल में या जिस सेंटर्स में भी बच्चा पढ़ने जाता है, या स्पेशल स्कूल में हो या बच्चा किसी सामान्य स्कूल में जाता है, तो वहाँ हम पीरियोडिक पेरेंट टीचर मीटिंग करना बहुत ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि टीचर्स और पेरेंट्स जब मिलते हैं तो बच्चे के परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, परफॉर्मेंस उसका इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा, जो भी सर्विसेज हम उसे दे रहे हैं उसे उस बच्चे को लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको एक रिव्यू करते हैं और उसकी फ्यूचर प्लानिंग उसके आधार पर हम करते हैं। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं अगर समय रहते हमें उसका सलूशन पता चल जाता है तो हम उस प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो इसलिए पीरियोडिक पेरेंट टीचर मीटिंग का होना बहुत ही कंपल्सरी पार्ट है बच्चे के विकास में। सिबलिंग्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर सिग्निफिकेंट मेम्बर्स ऑफ द फैमिली, जैसा कि मैंने अभी आपको इसके पहले भी बताया कि हमारे सिबलिंग्स जो होते हैं, जो भाई बहन हैं, उनके अलावा हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो बच्चे के दादा दादी होते हैं, उनका भी उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन का उतना ही महत्वपूर्ण रोल है। क्यों? क्योंकि जैसे बच्चा है वो हर समय माँ के पास या पिता के पास ही नहीं होता, बच्चा फैमिली मेंबर्स के अन्य फैमिली मेंबर्स के साथ भी अपना टाइम स्पेंड करता है, और जब वो टाइम स्पेंड करता है तो हमारे जो घर के अन्य सदस्य हैं उनकी भी भूमिका है कि उन चीज़ों को सीखें और उस बच्चे के अकॉर्डिंग ही उन चीज़ों को करें, जिससे कि बच्चे का जो भी डायरेक्शन है वो राइट वे में जाए, बच्चा सही दिशा में जाए, बच्चा सही दिशा में कार्य करें, तो वो इम्प्रूवमेंट जो होता है वो बच्चे का बहुत ही कह सकते हैं कि फास्ट हो सकता है। फैमिली कॉटेज सर्विसेज मॉडल, फैमिली कॉटेज सर्विसेज मॉडल आप देखेंगे कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज जो कि सिकंदराबाद में है, वहाँ पर फैमिली कॉटेज सर्विसेज मॉडल को प्रमोट किया जाता है। किस लिए? कि वहाँ पे जो बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं वो अपने माता पिता के साथ उस कॉटेज में रहते हैं और वो उन सारी सर्विसेज को वहाँ अवेल कर सकते हैं, वहाँ रह के सीख सकते हैं और जो भी सुविधाएं हैं उसका लाभ भली भांति वहाँ पर ले सकते हैं। प्रोविजंस बनाए जाते हैं उसके लिए भी, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसमें भी वो क्या कर रहे हैं कि पेरेंट्स मीट, पेरेंट्स राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर पेरेंट्स को उसमें शामिल किया जा रहा है, जिससे कि बच्चे के लिए हम एक राइट बेस्ड सोसाइटी, पहले का समय था हम बच्चे को सहानुभूति देते थे, बट आज का समय कहता है कि हमें बच्चे को सहानुभूति नहीं, बच्चे को उसका अधिकार देना है। अधिकार आधारित समाज का निर्माण करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हम हर लेवल पर, जिस लेवल पर पॉलिसीज का निर्माण होता है, हम पेरेंट्स को और स्टेक होल्डर्स, क्योंकि फर्स्ट वही हैं, उनको वहाँ पर हम उसमें शामिल करें, उनकी समस्याओं को सुने समझे और देखें कि पेरेंट्स किस लेवल का समस्या फेस करता है या किस तरीके से उन चीज़ों को वो लेता है, तभी हम पॉलिसीज का निर्माण भली भांति कर सकते हैं जो कि उस दिव्यांगता को कम करने में हमें मददगार साबित होगा। तभी हम इस बच्चे के लिए एक राइट बेस्ट सोसाइटी का निर्माण कर सकेंगे। ये कुछ फैमिली सपोर्ट प्लान्स हैं जिनको हम देख सकते हैं कि फैमिली को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो भी बहुत सारी फैसिलिटीज दे रही है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जिनको बहुत सारी चिकित्सा की जरूरत होती है, जिनके केसेस बहुत सीवियर होते हैं, क्योंकि इसमें कई कैटेगरीज होती हैं आईडी बच्चों की, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। इस कैटेगराइजेशन पर हम देखते हैं कि अगर बच्चा सीवियर है, उसकी कोई मेडिकल कंडीशंस है, तो उसको सही करने के लिए गवर्नमेंट जो है बहुत सारे स्कीम्स हो देती हैं कि जिससे कि फैमिली को की कैपेसिटी को इम्प्रूव किया जा सकते और क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट किया जा सकते एज अ दिव्यांग बच्चों के लिए। तो गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं उसको आप देख सकते हैं कि फैमिली सपोर्ट प्लान्स उनके ऐसे हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट देती है कैश सब्सिडी में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस, टैक्स कंसेशन एट ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस एक्सेट्रा, कि फाइनेंशियल सपोर्ट इस तरीके से देती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस को अगर आप ले तो आप देखेंगे कि बच्चा जब हमारा विशेष है तो उसकी विशेष आवश्यकताओं में उसको बहुत सारे इक्विपमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि हमारा बच्चा है आईडी बच्चा है तो उसको बहुत सारे TLMs की आवश्यकता पड़ती है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हो गए। अगर आईडी के साथ कुछ एसोसिएटेड कंडीशंस हैं तो उसमें बच्चे को हो सकता है कि आईडी के साथ साथ बच्चा CP भी हो तो उसको सेरेब्रल पॉल्सी जिसे कहते हैं, तो बच्चे को व्हील चेयर की, बच्चे को CP चेयर की, बच्चे को ट्राई साइकिल्स की और भी बहुत सारी डिवाइसेस की नीड्स हो सकती हैं। तो गवर्नमेंट आपको उस डिवाइसेस को भी किसी कैंप के माध्यम से या किसी स्कीम्स के माध्यम से प्रोवाइड करने का प्रयत्न
कर रही है। टैक्स कंसेशन आपको मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस, ट्रांसपोर्टेशन आप बच्चे का, अगर बच्चे का आप कार्ड बनवाते हैं दिव्यांगता का, तो उससे अब बच्चे को ये सुविधा मिलती है कि बच्चा कहीं भी ट्रेवल करेगा तो उसके साथ उसका एक केयर टेकर को भी रियायत दी जाती है उसके ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस में। तो इस तरीके से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी गवर्नमेंट देने के लिए बहुत सारे उन्होंने स्कीम्स और प्लानिंग्स की हुई हैं। स्पाइट केयर, डे केयर सेंटर्स ओपन किए गए हैं जहाँ पे बच्चे को आप रख सकते हैं, बच्चे को वहाँ पे बेहतर सर्विसेज मिल सकती हैं और बच्चा वहाँ पे दिन भर अपना अपनी क्रियाओं को भली भांति सीख सकता है। बेनिफिट्स ऑफ सेवरल स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स लाइक DDRS, ADIP, NHFDC, माइक्रो फाइनेंसेस स्कीम्स ऑफ नेशनल ट्रस्ट एक्सेट्रा, जिससे आप जुड़ के इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं और बच्चे के विकास में अपनी भूमिका के साथ साथ विशेष भूमिका, या फिर कह सकते हैं कि उस बच्चे के लिए जो सबसे बेहतर सर्विसेज हैं उसको आप सर्च कर सकते हैं, सर्च करके और अपने बच्चे के विकास में उसको लेके उसका लाभ ले सकते हैं और बच्चे का विकास भली भांति करने में सक्षम हो सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि एक बौद्धिक अक्षम बच्चे के विकास में परिवार की जो भूमिका है, परिवार में विशेष परिवार कह सकते हैं कि एक विशेष परिवार है जिसमें विशेष माँ के नाम से भी एक मदर को जाना जाता है, कि वो कैसे विशेष जो स्किल्स हैं, नॉलेज हैं, उनको इम्प्रूव करके अपने बच्चे के लिए कैसे उसके विकास में बहुत मददगार साबित हो सकती है। और एक मदर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, मैं एक विशेष मदर हूँ इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि विशेष माँ को क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या किन किन मनोभावों से वो गुजरती है और उसमें उसके वो उस बच्चे के लिए जो कार्य करते हैं उसमें उसके परिवार का सहयोग, उसके फ्रेंड्स का, उनके नेबर्स का, उनके रिलेटिव्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है और समाज में वो उसके कार्य जो होते हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें ऐसे बच्चे जिस परिवार में हैं उनकी समस्याओं को समझना चाहिए, समझकर उन बच्चों के लिए जो भी हमसे मदद हो सके हमें करनी चाहिए और सबसे बढ़िया कि हमें उनके साथ एक सिंपैथी नहीं रहना हो कि एक एम्पैथी का भाव रखना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चे के साथ जो लोग कार्य करते हैं उनका मनोबल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनको लगता है कि वो समाज से अलग नहीं है, वो उस समाज का ही हिस्सा है और तब वो इन सर्विसेज को और इन बाकी सारी चीज़ों को यूज़ करके उस बच्चे का विकास कर सकते हैं जो कि समाज और राष्ट्र के विकास के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। थैंक यू।